इंडिया आज तक आपकी आवाज। मैं हूं सिद्धरा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। तो चले हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू। 24 घंटे में बॉलीवुड ने खो दिए दो दिग्गज कलाकार। इरफान खान के बाद ऋषि कपूर की भी कैंसर ने ले ली जान। कैंसर ने दो दिन में बॉलीवुड के दो दिग्गज कलाकार छीन लिए। बुधवार इरफान खान की मौत के बाद गम में डूबे करोड़ों बॉलीवुड के चाहने वाले फैंस के लिए गुरुवार की सुबह गम और बढ़ गया। अभिनेता ऋषि कपूर ने भी कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद आज सुबह दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। आपको बताते चले कि बुधवार को ही तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रशंसक उनके लिए प्रार्थना में लगे हुए थे, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। 67 वर्षीय ऋषि कपूर को मुंबई के सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साल सन 2018 में ऋषि कपूर को पहली बार कैंसर का पता चला था, जिसके बाद अभिनेता ऋषि कपूर लगभग एक साल तक न्यूयॉर्क में रहे थे। वो ठीक होने के बाद सितंबर सन 2019 में भारत लौटे थे। भारत में वापसी के बाद भी अभिनेता कपूर का स्वास्थ्य अक्सर ध्यान में रहा करता था। अभिनेता को फरवरी में त्वरित जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब वो दिल्ली के दौरे पर थे तब उन्हें शुरुआत फरवरी में यहां के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेता की मौत की खबर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। बिग बी ने ट्वीट करते हुए लिखा, वो चले गए, ऋषि कपूर चले गए, मैं खत्म हो गया हूँ। अमेठी से